सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा देश दिस हिंदू तुर्क में, कर कर देश विदेश, फुलवारी फुली जुही, मलक सुमन बशीश। महाकवि भाई संतोख सिंह जी, जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का पावन जीवन बड़े प्यार विच शिद्दत नाल लिख रहे हैं। पिछले दीवाना विच आप जी ने तकरीबन 218 पाठ सतगुरां दी जीवन कथा दे सरवण कीते ने। घर परिवार बचपन जवानी, सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते मोदीखाना सचखंड प्रवेश, जंगलां विच जा बैठना, भाई मरदाना जी तो रवाब मंगाउणी, इत्याद सारे प्रसंगां नूं सरवण कीता है। ये सुनन तो बाद कुछ गुरसिखां ने कवि जी तो जानण दी इच्छा दे मुताबक शंका कीता सी, जिन्हां दे परथाई उन्हां बड़े सोहणे बाखूबी जवाब दित्ते। हुण सतगुरां दी जो अगली कथा है उदासियां दी आरंभता, उस तो पहला कवि जी बड़े प्यार विच सतगुरां दी पावन महिमा का जिक्र करते ने। कहिंदे सतगुरां दी सिफत मैं की करां, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निदाना, तुसी ते गुणा दे सागर हो, गुणा दे खजाने हो, विश्व दे विच तुहाडी महिमा किवें जाणी जा रही है। बड़े विस्थार सहित आप जी ने कल सुनिया है भी हर देश विच गुरु नानक साहब जी नूं अलग नाम नाल जाणिया जांदा है। कवि कहिंदे फुल्लां दी क्यारी ने सतगुर, फुल्लां दी बगीची ने। हुण फुल दा कर्म है खुशबू देना, भावे उह सुक्का क्यों ना होवे, खिड़िया क्यों ना होवे, फुल जद भी टहकदा है दूजे नूं महक देण वास्ते टहकदा है। गुरु दा जीवन दुनिया दे उधार लई हुंदा ऐ। जो पई अवर नरन सर जन्म सो तारे, जो ऐसी कै सो कुड़ियारे। सतगुर सारिआं दे सांझे ने, हिंदुआं दे गुरु, सिखां दे गुरु, मुसलमानां दे पीर, जाहर पीर जगत गुर बाबा गंग बनारस हिंदुआं। ऐसे पातशाह जो जाहर ने, प्रतख ने, जिन्हां दी महिमा तो जे कोई अणजाण सी उन्हें उन्हां दे विरुद्ध मंदा चंगा बोलिया, पर जिस वेले चढ़िया सूरज गुरु दी महिमा दा वेखिया ना, समझ आ गई तेरे जिहा कोई नहीं, तू अलग है, बेशुमार है, बेअंत है, तू डाढ़ा है। कहिंदे छोटी छोटी मत वाले उस वड्डे सतगुर की महिमा नूं की जानदे सी, पर जिन्हां दी मत उत्ते बुद्ध उत्ते ज्ञान उत्ते गुरु की कृपा हुई उन्हां सतगुरां दे प्रेम नूं जाणिआ ए। सो नानक को जानत नाहीं, कै गुर निंदक निंदा पराही। कवि जी कहिंदे ओ लोक गुरु नानक साहिब दी निंदिया कर सकदे ने जिन्हां नूं सतगुरां बारे पता कुछ नहीं, सुनिया नहीं, कदे वेख्या नहीं, पर जिन्हां सुनिया वेख्या ना, जिन नानक सतगुर वेख्या, जिन्हां देख लिया, तक लिया, सुन लिया ना, ओ कहिंदे रब्बा तेरे वर्गा इत्थे कोई होर नहीं। उहदे वर्गा है कौन है? गुरु नानक परमात्मा ने, परमेश्वर ने। कवि जी कहिंदे मैं इस करके नहीं कहिंदा भी मेरा धर्म सिख है, भी मैं गुरु बाबे दी महिमा तां करदा, समुचे विश्व दे विच सतगुरां दे नाम दा डंका अज भी वजदा है। ओ अलग अलग नामां नाल है, कोई नानक लामा कह के पूजदा है, कोई नानक पीर कह के पूजदा है, कोई नानक फकीर कहिंदा है, कोई नानक वली कहिंदा है, अलग अलग नामां दे नाल गुरु नानक साहिब दी पूजा हुंदी है। कहिंदे जिस विचारे ने सतगुरां बारे सुनिया ही नहीं ते उह गुरु दी महिमा करूगा की, जो निंदिया करदा भी है सुन के एक दिन समझ आ जानी है, पर जिन्हें वेख लिया,
जिन्हें सुन लिया वह कदे भी निंदक बनता नहीं। जीवत दुख पावे नर सोई मुए नरक प्राप्त होए। ऐसे निंदक लोग ज्यौदे जी इत धरती दुख भोगते कहते मरिया तू नरकों च जा डिगदे। इशारा किधर है? भाई हिंदाल दी कुल जिन्होंने जन्म साखियां नाल छेड़छाड़ की। बाबा पृथ्वी चंद जी दे सपुत्र मेहरवान जिन्हें गुरु नानक साहब के घर की महिमा लिख लिख के अपने नाम से मढ़ लिया आपे बाणी रच ली भी कि लोग सानू पूजन लग सन लोग सानू रब कहन साढ़े बड़िया का सत्कार होवे। कवि कहिंदे इत्थे भी ठोकरां अगे भी धक्के हन नहीं जान है कहती जो भूले अब सुन सो होवे अनकूले। कवि जी आखदे जिहड़े भुल के सतगुरां दी निंदिया कर गए कहिंदे अज उह पछताउंदे आ एक समा ऐसा आएगा खुआर होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। इस पंथ ने खज्जल होना है खुआर होना है ते खुआरी चल रही है। गुरु साहब कहिंदे सब ने खुआर होना है खज्जल होना सारिया ने फिर जेड़े जेड़े बचणगे ओ शरण च आउणगे। अजे ते सिखी दे नां ते वड्डे वड्डे अडंबर होणगे पखंड होणगे पखंड दीआं दुकानां चलणगीआं कर्म कांड होणगे। एक बार फिर सिखां ने खज्जल होना है। अज भी कहिंदे आ ना भी साडी कौम लीडरलैस कौम है भी साड़ी कौम दे कोल कोई चंगा आगू नहीं चंगा लीडर नहीं जिन्हों अगे ला दो उही अपनी कोठी बना जांदा है उही प्रॉपर्टी बना जांदा है। मुड़ के पिछे वाले वेखते रहिंदे आ कहिंदे यार ये धर्मी बंदा सी वेख किवें गया क्यों है इबादत नहीं है बंदगी नहीं है। इस करके सतगुरु कहिंदे खुआर होए सब मिलेंगे सब ने खुआर होना है खज्जल होना है टक्करां मार के जदों किते कुछ नहीं मिलना फिर गुरु की शरण विच आके गल बननी। इस तरह दस रहे ने कवि संतोख सिंह दी कहिंदे निंदकां ने जिन्नी निंदिया करनी कर लैण दिओ कोई फर्क नहीं पैंदा। एक समा ऐसा आएगा सूरज नूं माड़ा कहण वाला ये सोचदा है भी सूरज मेरियां भी लोड़ां पूरियां करदा है। निंदक भी जे कपड़े धो के सुकणे पाऊ तो सूरज ने उहदे भी सुकाउणे आ उहने थोड़ा कहना है भी ये बंदा सूरज नूं गालां कढ़दा ते मैं इहदे कपड़े नहीं सुकाउणे। चंद ने चढ़ना ही चढ़ना भी उहने अपनी चाननी रात वेले पसारनी आ भावें निंदक निकले भावें माड़ा निकले। पाणी ने सब की प्यास बुझाउणी है भावें उह पाणी नूं गालां क्यों ना कढ़दा होवे। जे कुदरत किसे नाल वितकरा नहीं करदी ते कुदरत नूं साजण वाला क्यों करूँ आखो सतनाम। जे रब वितकरा नहीं करदा ते उहदी कुदरत भी नहीं करदी। इस करके वह रब डाढ़ा ते महान है। कवि जी कहते निंदकां दे बोलियां तो रब ते रब दे प्यारियां नूं फर्क नहीं पैंदा। दोहरा सुन स्रोतन सुख पाए मन कीनो बोहर संदे वदीर दे महलाल सा कथा सुनन पर जे। कवि संतोख सिंह जी दे कोल घट तो घट 150-200 स्रोता है सुनने वाला। जो आप बचन सुने ना सब का मन भावुक सी आखन लगे महाकवि भाई संतोख सिंह जी तुहाडी रसना तो गुरु नानक साहब की कथा सुन के बड़ा आनंद मिलिया बड़ा रस आया ते साडे अंदर की इच्छा हुण होर प्रगट होंदी है भी अगे भी कथा सुनाओ क्योंकि जिन्ने के साडे माड़े मोटे शंके सी तुसी निवृत्त करते। जदों असी घर बह के जाके कोई पोथी पढ़ते सी साखी वेखते सी सोचते सी तुहाडा सुनाया होर आ ते उत्थे लिखिया होर है ये क्यों है? ये कवि जी की अपनी मेहनत है। हर बंदा हर चीज तक नहीं पहुँच सकता हर इंसान की बुद्ध का आपो अपना तल है पर कवि जी ते गुरु नानक साहब की अपार कृपा है जिन्हें दसे सतगुरां की महिमा एडे वे ग्रंथ में लिख दी। भारत देश में सब तो वड्डा ग्रंथ है महाभारत आकार जो घट तो घट 50 तो लैके 200 कवियां ने लिखे वड्डे वड्डे विद्वान आए ब्राह्मण आए दुनिया के विश्व के एको एक कवि है जिन्हें महाभारत तो वड्डा ग्रंथ गुरप्रताप सूरज इकल्या ही लिख दिता आखो सतनाम। इस करके उन्होंने ये अहुदा मिले है चूड़ामण। चूड़ामण का भाव की होंदा सिर तो लैके पैरां तक सोने नाल शिंगारिया होया
रुतबा है जिमें अज के समय किसी भारत भूषण पद्म श्री ये मिलते हैं ना अवार्ड कविया का वड्डा अवार्ड सी कविया का सिरताज कविराज राजिया का राजा कविराज भाई संतोख सिंह जिन्हों एडा वड्डा ग्रंथ लिखण का खिताब विश्व में मिले है विश्व का सब तो वड्डा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी ते कवि जी की लिखी हुई रचना जो रब की बिरती है परमात्मा की भगती है रब के नाल नाल जोड़द दुनिया के ग्रंथों में कर्म कांड के महाभारत पढ़ के वेखो दे किन्ने पर्व ने कित्थे कित्थे की लिखे है किस पर्व का मीनिंग किदे नाल जुड़े है किहड़ा संदर्भ की है पर इतिहास में केवल गुरु नानक साहब तो लैके दसे सतगुरां तक एक अकाल परमेश्वर की महिमा है। सिख कहिंदे महापुरखो साडे वड्डे भाग तुहाडे सामने बह के तुहाडे कोल बह के तुहाडी रसना तो गुरु नानक बाबे बारे सुनिया है। जो पई अस बिद स्रोतन बचन उचारे सुनो कवि एव ग्रंथ मजारे। ते कुछ स्रोते आखन लगे कवि जी साढ़े एक दो सवाल रह गए आस है तुसी सवालां दे जवाब दे दोगे। कवि जी कहिंदे वड्डे भाग ने मेरे कोई सवाल करदा है कोई पुछण दी बिरती नाल सवाल करदा है। उह स्रोते कहिंदे जी साढ़े मन विच कई बार ये आउंदा है भी ग्रंथ तुहाडा बहुत वड्डा है इच कोई शक नहीं है इन्हां ग्रंथां द्वारा तुसी सच दी उपमा कीती है। तू तां जनक राज अवतार ए बिद लिखियो वाक सुखकार। पर स्रोते कहिंदे सानू तुहाडी इक लिखी हुई रचना ते शक है शंका। कवि जी ने हाथ जोड़े कहिंदे ओ की कहिंदे जी तुहाडी रचना लिखदी है रब दे ताई तू तो जनक राजे अवतारा। राजा जनक सारे जानदे हो सुनदे हो बाणी विच भी जिक्र आउंदा है धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक। कहिंदे की गल कवि जी एक राजे नूं तुसीं रब दे बराबर दा रुतबा दित्ता तुसीं दस के आए हो पिछे देखो स्रोतियां की पकड़ किड्डी वड्डी है बौद्धक तल दी साडे वाला काम नहीं अग्गा दौड़ पिछा चौड़ पता ही नहीं कल की सुनिया परसों की सुनिया पिछले साल की सुनिया कख याद नहीं सन। गुरु साहब दे परथाए कवि जी तो पुछ रहे आ कहिंदे जद गुरु नानक साहिब मर्ज सूरजां दे सूरज ने फिर राजा जनक की चीज़ है तुसीं ये क्यों कहा भी राजा जनक तेरा ही अवतार है ते तुसीं राजे जनक का अवतार हो। देखो किड्डा वड्डा सवाल है हुण एक सवाल तुसी भी कर सकते हो जी बाणी च मर्ज लिखदे आ धन धन राजा जनक है जिन सिमरन कियो विवेक एक घरी के सिमर ने पापी तरे अनेक। भी राजा जनक धन है बाणी च मर्ज कहिंदी राजा जनक रब है रब वर्ग है सतजुग विच होया उस राजे दा कहिंदे रूप जे वेखीए ते परमात्मा नूं वेख लो गल एक मिक है पर स्रोतियां ओबजैक्शन चकी कहिंदे गुरु नानक साहिब दा अवतार राजा जनक किवें हो सकदा है राजा ते राजा ही है भावे धर्मी होवे भावे कैसा होवे। कृपा करके सानू इस गल बारे जरा खोल के सुनावो। गुरु ग्रंथ की साखी पावे तो हमरो संदेह मिटावे। ते सवाल फिर उन्हें पता की कीता कवि नू कहिंदे मन्नांगे तां जे गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे विच्चों कोई हवाला दोवे तुहाडी पोथी उह गल करदी है वी तुहाडी सुनाई होई कथा गुरबाणी दे मुताबक है। तुसी कहिंदे हो राजा जनक अवतार है गुरु नानक साहिब महाराज राजे जनक वर्गे ने जां राजा जनक गुरु नानक साहिब वर्गा है कहिंदे एक शब्द सिद्ध कर दिओ बाणी चो है कोई इदां दा स्रोता साडे चो जिहदी एड्डी वड्डी पकड़ मजबूत होवे। नहीं भाई सुनाउण वालियां दी भी नहीं आखो सतनाम तुहाडियां ते गल्लां की मेरे वर्गा कख नहीं पल्ले। पर सवाल किड्डा वड्डा है जी कदे सोचिया तुसीं जिंदगी च बाणी आपां पढ़दे आ पढ़ पढ़ सुनाई जाने आ गाई भी जाने आ जे सानू कोई आके भी तुसीं राजे जनक दी गल करदे हो राजा जनक कौण है सौखा जा इतिहास सर्च मारो राजा जनक मिथिलापत दा राजा है। मिथिलापत एक इलाका है भारत अयोध्या वाले पासे
जे हुण मिथला पत दा राजा उह रब किवें हो गया। जदों गुरु नानक साहिब महाराज परमेश्वर ने परमात्मा ने परमात्मा बंदियां वर्गे, ये बहुत वड्डा सवाल सी। अज भी धुर की बाणी विच ऐसे शब्द आउंदे आ जिन्हां दे असीं अपनी मर्जी नाल अर्थ करी जांदे आ ते लोकां नूं भंबल भूसे पाई जांदे आ। नहीं भाई, गुरबाणी दे इशारे भावें उह सूक्ष्म मात्र होण तीक्ष्ण मात्र होण पर हुंदे बड़े गहरे आ। स्रोते प्यार वाले सी, सवाल करता उन्होंने, कहिंदे कृपा करके बाणी चों सिद्ध करके दसो भी राजा जनक जिहड़ा है महान किवें। राजा तो राजा है, राजे दीआं राणियां भी होणगीआं, धी पुत भी होणगे, राजे ने अपने अगे बच्चियां नूं राज भाग भी देना, फिर रब किवें हो गया। की गुरु नानक साहब जी ने अपने पुत्रां नूं नानक दा राज दित्ता है, भगती दा राज बख्शे है? नहीं, गुरु अंगद दे पातशाह नूं सौंपे है। जदों कवि जी दे सामने सवाल कीता, सवाल बड़ा डाढा है, गहरा है, तो कवि जी खुश हो गए सुन के, तो मेरे वर्गा हुंदा तो फ्यूज उड जाने सी भी मेरे कोल ते जी जवाब नहीं इस चीज़ का, इत बहुत औखा मैटर है। कवि जी इन्ने खुश होए, मन भर आया, वाह वे स्रोतियो, इहदा मतलब तुहाडी स्रोत बड़ी गहरी है। जिहड़ा जिन्ना बंदा गहरा सुनदा होएगा उन्ना सुनन वाला गहरा सवाल करू। तो साडे ते सवाल ही बड़े छोटे होंदे आ, जे सानू कोई पुछे पंजां प्यारियां दे नाम उत्थी अड़ जांदे, सवेरे बाबा जी किहड़ा पाठ करीदा है। ते अज तक ते सानू अज 500 साल हो गया, ये नहीं अद्धियां नूं पता भी रह रहा साहब भाई साहब जी सवेरे कर लईदा जी, अद्धे मिलदे इदां दे बाबा जी, जे जपजी साहब शाम नूं पढ़ लिया, मैं कहा ना डांगा वजदियां हुंदियां जी शामी पढ़ लिया। कहिंदे तुसीं की कहता, मैं कहा जिहड़े हिसाब नाल तूं पुछिआ भाई, बाणी जदों मर्जी पढ़ लो, बाणी दा कोई समां है, कोई टाइम पीस लग्गिआ होइआ है? भी जे जपजी का जाप शाम नूं करेगा तो वह फिर बाणी तैनूं दंदियां वड्डूगी, करंट मारूगी, किहो जी सोच है साडे? जे पंजाब दे जाया नूं इह नहीं पता भी आ पाठ कर लिए जी, कर सकते हैं जी, तो समझ लो भी फिर साडी समझ शक्ति किन्नी गहरी है। अजे तक नहीं पता सानू सत बाणियां दा, यह नहीं पता भी नितनेम कहड़ा हुंदा है, पंजां बाणियां सवेर दीआं किहड़ियां, नां की ने, जिहनूं मर्जी पुछो। बस जी जपजी साहब पढ़ लईदा, पा ब्रह्म ज्ञानी बन गया जपजी साहब पढ़ के, अगे ना पढ़ी, अगे लोड़ भी की है तैनू पढ़न दी? तू एक जपजी साहब पढ़ के ही रब दे उत्ते भार बनिया फिरदा भी मैं जपजी कर ली जी, मैनू लोड़ की है होर? बहुत है साडे लई। प्यारियो जदों ये सवाल कवि नू कीता ते कवि हैरान सी भी सारी जिंदगी कवितावां लिखदियां लंघी, विद्वता दे विच किसी ने यह सवाल किया नहीं। जहां के बचन अमोल अडोला, सुखदा मंगल मूल अतोला। कवि जी सानू दसो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच, क्योंकि सतगुरां दे बचन अनमोल हन, पवित्र हन, रूह नू सकून देण वाले ने, दसोगे ते लिखिया राजे जनक बारे भी जे राजे जनक नूं रब दा बराबर दा दर्जा देता ते फिर रब ते आम च की फर्क है? जे एक राजा ही रब बन गया गल्लां कादियां फिर? अज भी ना जदों राजे जनक दा जिक्र आउंदा है, मैं बड़िआं नूं कई वार सुणिआ, चलो सारिआं दी समझ अपनी अपनी है, पर प्यारिओ इहदा मतलब इह नहीं भी जे मैं पढ़ लिया ते मैनूं ही पता है। गुरबाणी दे अर्थां विच सारा कुछ लिखिआ होइआ है, हर कोई पढ़ सकदा है, कोई भी पढ़ो, ये तुहाडी अपनी समझ आ भी तुसीं किन्नी क भावना नाल पढ़दे हो, किन्नी क समझ नाल पढ़दे हो। दो अक्खर अर्थां दे समझ लैणे कोई विद्वान नहीं बणदा जद तक भावक ज्ञान नहीं हुंदा। अर्थ कई तरह दे ने, एक भाव रस अर्थ ने जो गुरु साहब की बाणी पढ़दे अंदरों फुरदे आ, ते एक अर्थ ने अखरी, ते अखरी अर्थां दे विच तुहानूं इह जिक्र नहीं मिलना जो कवि जी ने इत्थे कीता है, ते किड्डी वड्डी अवस्था उहनां दी होणी। इक्को गल है राजा जनक, राजा जनक, राजा जनक, भी जे राजा जनक रब है ते रब क्यों है? सुनकर कवि ग्रंथ की गाथा, करियो रे हरख कहत तिन साथा। कवि जी बड़े खुश होए, पोथी बंद कीती, कलम रखी, दोने हाथ जोड़ के आखन लगे, कहिंदे धन भाग मेरे, बड़े भाग आ मेरे, मैनू ऐसे स्रोते मिले। देखो जी सुनने वाले होण भावे पंज, ते गाह पाउण वाले हुण 1500, 1500 चंगा जां 5 चंगे, आप मुहारे चल के तुहानूं 5 बंदे भी सुणदे होण ते तुहाडी जिंदगी दी बहुत वड्डी कमाई है, क्योंकि 5 ने सुण के कमाउणा है, मनणा है, समझणा है, ते 500 इकट्ठा कर लो दिखावा,
किसी का फोन वज गया, कोई कंध नाल बैठा बैठा सौ गया, किसी के मुँह से मक्खी बह गई, कोई वेखी जाता मत्था किने टेकिया, किहड़ा किधर नूं वेखदा है, इहो जिहा तों की लैणा है। स्रोता होवे ओ जिथे चिड़ी ना फड़कदी होवे, समय का पता ना लगता होवे। कवि जी ने ना सीस नवाया, कहिंदे सिंगो धन हो तुसीं एडी डूंगी ते गहरी सोच तुसी समझ रखदे हो। धन गिरा मत धन तुम्हारी जाते मन में समझ उचारी। मैनू लगदा सी किते ना किते मेरी समझ बारीक होनी, प्यारे हो तुहाडे मन दी समझ ते मैथों भी गहरी है। मैनू खुशी होई, दुनिया दे विच कोई किसे नू वधदा वेख के खुश नहीं हुंदा। एक प्यो हुंदा अपने पुत नू आप तो वड्डा वेखना चाहुंदा है। प्यो सोचता जे मेरे को 10 एकड़ जमीन है तो पुत को 20 हो तो खुशी होंगी है ना। मैं सिपाही भर्ती हाँ तो पुत मेरा DSP हो, एक प्यो सोच सकता है। तो जा फिर कोई महान गुरु का सिख जो ये सोचता है भी ये बंदगी वाला मैथों अगे होवे, ये महान होवे। तो साढ़े वाले पासे की है जी, मैं कहना भी जे मैं अगे हाँ तो मैथों 4 कदम अगे कोई क्यों चलद, मेरा गवांडी मैथों वड्डी गड्डी क्यों लई बैठा है, उहदी सरकारी दरबारी क्यों चलदी है, भरा भरा नाल ही खार खाई जांदा है। पर कवि वर्गा जीवन लभोगा कितें जी? एड्डा वड्डा कवि होवे, एड्डा विद्वान होवे जिहनूं राजा कैथल आप उठ के मिलदा होवे ते एक सोने दा महल ही दान कर दे, सिक्योरिटी दे दे, जिथे कवि चले मसालां जगदियां होण, जिद्दां अज VIP गड्डियां ते हूटर वजदे जांदे आ ना, ते कवि जी दा एड्डा वड्डा रुतबा सी उहनां समयां दा, सोने के बर्तना च दुध छकते होंगे, एड्डा रुतबा राजे नहीं दिता कैथल वाले ने, पर एड्डा वड्डा कवि राजो की इन्नी निम्रता दे बोल बोले गुरमुखो तुसी मेरा मन मोया ए। कहत महत की महत साखी नहीं अलपति जावे पाखी। कहिंदे मैं गुरु नानक साहिब महाराज नू राजे जनक का खिताब दे के छोटा नहीं किया, क्योंकि एक सुभाविक गल है जी, कित्थे रब कित्थे राजा, वो परमात्मा ते करोड़ां ब्रह्मंडां दा राज करदा, राजे की चीज़ ने, की चीज़ ने राजे, जे कोई सृष्टि दा राजा भी बन गया कोई वड्डी गल है, पता नहीं रब ने किन्नियां क सृष्टियां बनाईयां ते फना कीतियां, किन्नियां क सृष्टियां साजियां। जे कोई ब्रह्मंड दा राजा भी बन जाए, गुरु साहब लिख रहे आ जे जुग चारे आर जा होर दसूणी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चलै सब कोए, चंगा नाओ रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछै के। कहिंदे जी रब दी नज़र विच ना आया ना, नौ खंडा दा राजा भी होवे किसे कम दा नहीं है, पर राजा जनक गुरु नानक दे बराबर सिखां नूं पचिया नहीं सी। राजा जनक कौन है? मिथला पत दा जिहड़ा राजा ना, उत्थे जिन्ने भी राजे होए ने उहनां दे नाम नाल इक तखलस लगदा रहा जिहनूं कहिंदे जनक। जनक कोई एक राजा नहीं होया, जिवें सौखा समझण लई इंग्लैंड दी जिहड़ी भी राणी हुंदी है उहदे नाम नाल लगदा एलिजाबैथ, चाहे अज तों 200 साल पहलां सी, 400 साल पहलां सी, अज है एलिजाबैथ ही होणा नाम। इसे तरह जनक राजे के नाम नाल लगता सी, जिवें राजपूत राजिआं दे नाम नाल सिंह लगता सी, राम सिंह, जय सिंह, सिंह लगता ना, एक रुतबा सिंह। इस तरह जनक एक रुतबा है। जनक का अर्थ की है? जनक राजा नहीं है कोई, हर राजे दे अगे नाम नाल जनक लगता रहा। जनक मिथला पुत पौन मिथला पत, क्यों लगता है जनक? जनक का अर्थ होंदा है ब्रह्म ज्ञानी, उदासीन, तत्वेता, चढ़दी कला वाला महापुरख। जनक का अर्थ ये है, इस करके कि है धन धन राजा जनक है। तू राजा भी है ते तू रब्बा मेरिया तत बेता भी है, परमात्मा भी है, सब कुछ तू है। ते जिन्ना जिन्ना तेरा सिमरन किया उन्होंने एक घड़ी दे विच सब तार दे। राजा जनक बेशक इतिहास में राजा जनक एक पात्र भी होया है, पर इत्थे उस राजे जनक का जिक्र नहीं है। बाणी दे विच बड़ी बारे प्रमाण आए ने, तो सानू हर थान लगता भी कि इत्थे जनक शब्द लिखता इत्थे राजा होना। जनक दा पुत्र भी हुंदा है, पुत्री भी हुंदा है, जनक पिता नू भी कह दिंदे आ, बड़े अर्थ ने जनक दे। कवि जी कहिंदे ओ राजा जनक परमात्मा बेअंत है जो सृष्टि दा मालक है। उन गुरदास भयो जो पाई
कुछ ककीन जे गुरु वड़ाई। इंदे दूजी गल मैं भाई गुरदास जो गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे गुरसिख ने महान सिख भाई गुरदास उन्हां वर्गा हो सकदा है। रिश्ते विच गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे मामा जी लगदे आ, गुरु अमरदास पातशाह जी दे भतीजे ने ते गुरु अर्जन दे पातशाह जी दे मामा जी, पर कदे नहीं किया मेरा भाणजा रब है ते मैं मामा होके क्यों चुका। भाई गुरदास वर्गा नमाणा सिख मिलू किते? भाई गुरदास ने अपनी रचना दे विच भी सतगुरां बारे जो लिखे है, कवि जी कहिंदे मैं उहदे विचों भी इतिहास लिया, क्योंकि एक भाई गुरदास ने जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी तो लैके छेवें पातशाह तक बड़े प्यार दे बचन लिखे हुए है, बड़ा कुछ लिखिया उन्हां सतगुरां दी बंसावली दे विच। कवि कहिंदे धुर की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। भाई गुरदास दीआं वारां कल्लियां वारां नहीं, भाई गुरदास जी दे होर भी ग्रंथ ने। भाई गुरदास कवित सवैये बड़े औखे पढ़ते हैं, बड़े सोहने सोहने दृष्टांत उन्हें दिते हुए आ। इस करके दसदे आ कहिंदे मैं भाई गुरदास की रचना दे विचों भी कुछ अंश लए ने। श्री अर्जन की रहत हजूरा सिखी अधिक प्रेम ब्रत पूरा। जो आप परिपूर्ण सिख ने भाई गुरदास गुरु अर्जन दे पातशाह दी चरण शरण विच रहे, आदि ग्रंथ दी रचना रामसर दी धरती ते होई, ते भाई गुरदास पहले लिखारी सी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे। भाई गुरदास जी ते ऐसा महान सिख होए हो सकदा कोई? ते फिर गुरु साहिब ने रुतबा पता की दिता सी भाई गुरदास नूं? सिख कहिंदे महाराज इन्हां दीआं वारां किद्दां पढ़नियां, महाराज दा बचन सी बाणी की पूंजी बाणी जो भाई गुरदास बखाणी। कहिंदे भाई गुरदास दी जिहड़ी बाणी आ धुर की बाणी दी चाबी है। गुरबाणी एक जिंदरा है, गुरबाणी एक ताला है। इस बाणी दा जे चाबी मिलेगी तां भाई गुरदास दे बचन मिलणगे। ते अज साडे सिख पढ़दे नहीं भाई गुरदास दीआं वारां, गाउणियां चाहीदियां कीर्तन विच, पढ़नियां चाहीदियां ने, हरिमंदर साहिब दी पावन धरती ते गाईआं जांदियां ने। कहिंदे ऐसे भाई गुरदास दीआं वारां विचों कवित सवैयां दे विचों मैं इतिहास सिरजिआ ए। सुण गुरु अर्जन जिहे की बाणी बार दीनो अस बिदगत दानी। जिन्हां नूं गुरु अर्जन दे मर्द ने आप वर दिता होवे उन्हां दी रचना दे विचों मैं गुरु नानक साहिब दा जीवन सुणावां, कदे गलत हो सकदा? कदे भी नहीं। गुरु अर्जन दे पातशाह किन्ना सत्कार भाई गुरदास जी दा करदे सी, आप तो हमेशा उच्ची थां ते बिठाउंदे सी सज्जे पासे। क्यों? बाणी लिखण वाले सी, बाणी पढ़न वाले सी, बाणी गाउण वाले सी। पर भाई गुरदास बेशक उम्र विच वड्डे ने, उन्हां कदे नहीं सोचिया भी मैं मामा लगदा गुरु साहिब दा। रिश्ते दे विच बेशक प्रिथी चंद ने बड़ियां साजिशां कीतियां सी भी जे भाई गुरदास मामा मेरे नाल आ जाए ना, क्योंकि गुरदास जी ने संगत बड़ी है ते साडे नाल संगत जुड़ जू, आपां गुरु कहावांगे। ते भाई गुरदास जी ने की खेडां वरताईआं उन्हां वाले इतिहास च सारियां आ जाणियां। पर कवि कहिंदे मैं ऐसे महापुरखां दी रचना दे विचों लै के इतिहास सोध सोध के साखियां जो हिंदाला ने लिखियां सी मैं इस इतिहास विच लिखियां ने। बड़े प्रेम करके सिख जो सिखी को प्राप्त होवै सो। ते बचन कीता सी गुरु अर्जन दे पातशाह जी ने, कहिंदे जिस सिख ने सिखी विच पक्का होना है भाई गुरदास दीआं वारां पढ़िया करो। प्यारे तुहानू भी जदों समां लगे ना भाई गुरदास जी दीआं वारां अर्थां समेत पढ़ो। अज कल पोथियां डिजिटल लाइब्रेरी च मिल जांदियां ने, वध तों वध पढ़िया करो। रोज़ एक पौड़ी पढ़ ली, ज़्यादा नहीं कर सकते, दो पढ़ लिया, पंज पढ़ लिया अर्थां दे समेत। कहिंदे जिन्हें भाई गुरदास दीआं वारां पढ़िया ना उहदे वर्गा सिख कोई नहीं, क्योंकि सिखी दे असल असूल ही भाई गुरदास ने दसे। आखो सतनाम। ते सानू ते ना भाई गुरदास दीआं वारां दा पता, सानू ते पता ही कख नहीं, ना सानू रहत मर्यादा दा पता। नाम करके असी सिख हाँ, सानू दुनियावी गल्लां जिहड़ियां मर्जी पुछ लो सारियां पता है। श्रोमणी कमेटी दा प्रधान कौन है, प्राणा कौन सी, गड्डी किहड़ा चढ़ गया, मर किहड़ा गया, ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥੀ ਮੈਂ ਗਾਥਾ ਤੇਹੇ ਕੀ ਸਾਖ ਸੁਣੋ ਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ।
गुरबाणी गुरु नानक साहब बारे की आखदी है, ये सारे ओ प्रमाण दिंदे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह हदूरी मनी सिंह पयो गत रूरी। लिखते लिखते फिर भाई संतोख सिंह अगे दसदे आ, कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे लिखारी भाई मनी सिंह जी। देखो गुरु अर्जन देव पातशाह दे लिखारी कौन सी? भाई गुरदास जी। आदि ग्रंथ लिखे आ दमदमा साहब की पावन धरती ते भाई मनी सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे पावन स्वरूप लिखे आ। ते भाई मनी सिंह जी ने बड़िया सोहनिया धार्मिक पुस्तकां लिखिया, संपूर्ण रह रास जिहड़ी आपां पंज ग्रंथी पढ़ते हैं ना, अज बड़िया इस चीज़ का पता नहीं जी, सचखंड साहब रह रास पढ़ी जाती छोटी शॉर्टकट भी उही है? नहीं नहीं, भाई मनी सिंह जी की पंज ग्रंथी पढ़ के वेखो फिर पता लगना रह रस है कितों तक है, सिख पढ़ते कितों तक सी। असी तो शॉर्टकट जमाना बनाया भी जे इदा ही सर जे तू कर दे मेरा पाठ तो फल मैनू मिल जाए, पर नहीं। भाई मनी सिंह वो सिख ने जिन्हां ने गुरु का बचन मन के बंद बंद कटवाए। ग्यारह के ग्यारह भरा रिश्तेदार सारे शहीद होए आ, पिंड सी लौंगोवाल जिला संगरूर। भाई मनी सिंह एडे वड्डे शहीद ते जिन्हां ने आप इस बाणी नूं अपनी कलम नाल लिखे आ, कहिंदे उन्हां ने गुरु साहब के चोज लिखे आ, सतगुरां दीआं साखियां लिखियां ने, उन्हां साखियां दे विचों मैं इतिहास लिया है। हुण कोई चैलेंज है? जिहड़े मूँह चुके कह देंदे आ इतिहास मैं नहीं मनदा जी, फलाड़ा नहीं, उन्होंने यही नहीं पता भी लिखा लिखिया लिखिया कितों कट्ठा कितों कीता, कवि की मेहनत की है। हुण भाई मनी सिंह नूं भी कह दिओ भी गुरु साहब के सिख नहीं सी, ये भी कह दिओ बाबा दीप सिंह नहीं होए, भाई वाला तो हो ही नहीं इन्हां दे हिसाब नाल, क्योंकि अजक ना ये चीज़ा लोगों का ब्रेन वाश कर रही ने, जो साडे बच्चे सिक्खी वाले पास ही ना कदे पढ़ नहीं ना कदे कुछ भी साडियां पोथियां धार्मिक ग्रंथां विच साडे सतगुरां बारे की कुछ लिखिया होया है। पर कवि जी ने पहले ही दसता कहिंदे मैं भाई मनी सिंह दे लिखे हुए पोथियां चो लिखे हुए ग्रंथां दे विचों ए इतिहास दे बचन लए ने। जेहे सिर लो सिखी निर्वाही तेहे अनुसार कथा मैं प्राही। भाई ये सारी कथा भाई मनी सिंह जी दे अनुसार है, जिन्होंने सिर दे के बंद बंद कटवा के सिखी नवाई है। शक है कोई उस सिख ते जिन्हें अपना बंद बंद कटाया होवे, जदों जलाद गुट ते मारदा है कहिंदा ना बंद बंद किया ना, पोटा पोटा उंगल तो शुरू कर, इंच इंच तो शुरू कर। ऐसा शहीद भाई मनी सिंह जिन्हां दे परथाए सीस झुकदा है। कवि जी कहिंदे उन्हां दी इह पावन रचना इतिहास है, मेरा इतिहास नहीं है। कहिंदे मैनू ते गुरु साहब ने सेवा बख्शी, मैं ते सोधिया। वो सिखां दी अखां भरिया होईयां सी, जिहड़े पुछदे सी भी जो असी पढ़िया उत्थे ते लिखिया नहीं, तुसी कित्थों लै के आए हो? प्रथमे सुनो ग्रंथ की साखी हिरदे में शरदा डिड राखी। कभी कहिंदे आओ तुहाडा सवाल सी, मैं उहदा जवाब देना। तुसी कहा ना भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी कोई साखी दिओ, साखी नाम गवाही दा, जिस विच जिक्र कीता होवे भी गुरु नानक साहिब महाराज नारायण ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। ये कोई शक नहीं है उहनां दा, एक सवाल है भी अज असी कीता, कल कोई गैर धर्म का बंदा तुहानू आखे भी कवि जी तुसी एडिया एडिया तरजीहां गुरु साहब नूं दित्तियां कि बाणी विच लिखिया उहदे बारे कुछ, किसे कवि ने लिखिया है? ते कवि कहिंदे आओ तुहानू सतगुरां दी बाणी दे विचों मैं कुछ गवाहियां दे दिया। आपन नारायण कला तार जग में परवरियो। तीजे पातशाह जी दे परथाए लिखे हुए सवैये भट्टां दे, जिस विच शब्द आउंदा है आप नारायण कला तार जग में परवरियो। कहिंदे गुरु नानक साहिब महाराज आप नारायण, नारायण किनू कहिंदे आ जी? नर प्लस आयन, व्यक्तियां विच बंदियां विच मनुखां विच वसण वाला आउण वाला परमात्मा। कहिंदे उहने कला धारी है, शक्ति करामात धारण कीती, जग में परवरियो संसार च प्रगट हो के गुरु नानक साहिब दा रूप हो के दसे पातशाहियां विच वरते, ते उह आप परमेश्वर ने, आप प्रगट होए ने, आप प्रतख हन, इह बाणी दी गवाही है, हवाला है जिदे परथाए गुरु नानक साहब की इस नानक प्रकाश की कथा नू उन्ना होर उच्चा चुकिया है। निरंकार आकार ज्योत
जग मंडल करियो निरंकार कहिंदे जिहड़ा निरंकार परमात्मा जी दा आकार कोई नहीं उन्हें आकार धारण किया जोत जग मंडल करियो अपनी जोत जगाई गुरु नानक साहब के रूप के जग विच मंडल स्वरूप धारण किया किने किया जी जिहदा कोई आकार नहीं जिहदा रूप नहीं रंग नहीं भेद नहीं भरम नहीं जो सब तो अलग है उन्हें आकार धारण किया सरगुण सरगुण स्वरूप ने गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आखो सतनाम सरगुण स्वरूप सन गुरु नानक साहिब महाराज पर अंदर दी जोत केड़ी है ओ सी निर्गुण सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जा तू सरगुण भी है तू निर्गुण भी है पर है निरंकार सुन समाधि आप होया तू सुन समाधि अर्थ बड़े गहरे समा हो गया उस पास ना जाइए पर कहिंदे आपे जपाउना है आपे जपदा आपे सब कुछ है जोत जग मंडल करियो ए संसार विच तुसी अपनी जोत आप प्रगट कीती है जह कहत है भरपूर शब्द दीपक दीपायो जिथे किथे तुसी आप अपने शब्द दा दीवा जगाया है चानन कीता है प्रकाश कीता है ते तेरा शब्द रब्बा सारे संसार विच है सृष्टि कादे तो बनी है अज दा विज्ञान मानदा है कहिंदे बिग बैंग तो इक वड्डा धमाका होया उत्ते बाणी ने लिख दिता अरबद नरबद धुंधुकार कहिंदे जदों इत्थे ना दिन रहन चंद ना सूरज सुन्ने सुन समाएंदा जदों चंद सूरज तारे कुछ भी नहीं सी कीता पसाओ इको कवाओ तिसते होए लख दरी आओ कहिंदे उहदे एक बचन तो एक बोल तो एक शब्द तो संसार बणिया साडे वाले रौला पाई जांदे मुर्गी पहला आई कांडा पहला आया पंजाबी वेले आ आज ही फिर बंदा पहला आया कि जनानी पहला आई दसो कहड़ियां गल्लां साइंस का भी की इत्थे पक्का है वह भी अंदाजे जी ने 10 अरब करोड़ साल पहला बंदा धरती ते आया जे किसी होर नूं पढ़ लो कहिंदा नहीं बैक्टीरिया गैसां दे विच सी गैसां तो बैक्टीरिया बैक्टीरिया तो बंदा बनिया भी जिहड़े अजकल दही च जमदे ना बंदे बन जाण सानूं ते ही फिकर पिया होया किहड़े पासे दुनिया तुरी फिरदी ये अपनी अपनी मिथ है अपनी अपनी सोच है सतगुर कहिंदे शब्द करके आकार कीता समुची मानवता विच समुचे संसार विच शब्द होके वरतदा है जह सिख संग्रहो तत् हर चरण मिलायो जिन्ना जिन्ना सिखा ने अपने हिरदे विच संग्रहयो धारण कीता मर्द कहिंदे एकत्र कीता उहनां नूं तत् मिलायो गुरु अमरदास पातशाह गुरु नानक देव महाराज तत् स्वरूप होके अंदरों प्रगट हो गए आखो सतनाम अंदरों प्राप्त होए तत् मिलायो वह तत् सिद्धांत की गल करते लस्सी ते पानी की गल नहीं करते प्योर दुध की गल करते मलाई की गल करते कहते वह परमात्मा जी तो सारा संसार बनया सारा विश्व बनया वह सिखा ने जाने है गुरु की सिक्ख्या नाल जाने जिन्ना जिन्ना जानेया ओदा रूप हो गए नानक कुल निम्मल अवतरयो अंगद लहने संग हो नानक कुल निम्मल निम्मल नाम है उजल दा निर्मल दा कहिंदे गुरु नानक साहिब दी कुल उजली है ए केड़ी कुल है जी बाबा श्री चंद वाली लक्ष्मीदास वाली नहीं उस कुल दा जिक्र करदे आ गुरगद्दी दी कुल अंगद लहने हो भाई लैना जदों गुरु नानक साहब के अंग संघ लगे ना अंग लगे तो अंगद हो गए आखो सतनाम स्वरूप हो गए उन्हां दी कुल हो गए और अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पा शरण तो ऐ गुरु अमरदास पातशाह तुसी तारन तरन हो सब नूं तारन वाले हो मैं तुहाडी शरण विच हाँ तुहाडी शरण विच हाँ तुसी आप ही गुरु नानक हो आखो सतनाम तीजे नानक हो तुसी है कौन हो आप नारायण कलातार जग में परवरेओ कवि जी कहिंदे भाई ये हवाला उस परमात्मा दा गुरु नानक साहिब दा बाणी विच है जो भट्टां ने उचारण कीता है सतयुग तै मानियो छल्यो बल बावन पायो दूजे शब्द विच कृपा करदे ने सतयुग तै मानियो छल्यो बल बावन पायो रब्बा मेरिया सतयुग दे समें नूं तुसी माणिया
राजे बल नूं तुसी आप बाबल रूप होके छलिया। बल राजे ने ना धरती ते राज कीता। मैं उस पासे ना जावां, विस्थार बहुत वड्डे आ, प्रसंग बड़े वड्डे आ। वो कहिंदा सी मेरे कोलों आके कोई कुछ भी मंगे ते मैं खाली नहीं मुड़दा। ते परमात्मा ना फिर 52 उंगलां दे बावन नाम हुंदा है, 52 जिस तो ना बावन चंदन का एक रुख है ना छोटा जा, वो 52 उंगलों तो वड्डा नहीं हुंदा। इन्ना की हुंदा, इन्ना ही खत्म हो जाता है। कहते इन्ना क रूप धारण करके आए, ब्राह्मण के रूप में आके उन्होंने बलराजे तो मंगया। कहते मैनू 2.5 कदमां की धरती दे दे। राजे ने वेख्या है ही 2.5 फुट तो इन्हें की मंगना। कहता फिर लै ला 2 कदम रखे, पूरी धरती नाप ली। राजा बड़ा हैरान, 1/2 कदम रखिया, राजे बल दी छाती ते धक्क के परलोक नू लै गए। आखो सतनाम। कहिंदे राजे बल वर गया नू तू छलिया, उनू फिर पता लग्गिया रब्बा मेरिया मैं ते तेरे नाल पेचा पा बैठा। आखो सतनाम। मैं इवें समझी फिरदा सी मेरे वर्गा दानी कोई नहीं। 2.5 कदम धरती मंगी, बावन रूप बहाने। बाणी लिखती कहिंदे तू बावन दा रूप बना के 2.5 कदम धरती मंगी ते विखाता भी तू देण वाला की आ। ओए राजा बल कहिंदा सी मेरे वर्गा राजा कोई नहीं, मेरे दर तो खाली कोई नहीं जांदा, मैं सब कुछ दिंदा। उन्हें 2.5 कदमां च धरती मिण के राजा खल खुजे लाता, लै गया धरती च दब के। उत्थे बल राजे नूं पता लग्गिया परमात्मा है। कहिंदे सतजुग नूं तू आप माणिया, उस रूप विच तुसी आप वरते हो। त्रितै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। त्रेते दे विच तुसी आप राम जी दा वरतारा वरताया, राम रघुवंश कहायो। इत्थे दा पावे नहीं भी देवी देवते गुरु साहब सी, समझो एक इशारे ने। इशारियां विच एग्जांपलां विच ते हकीकत विच फर्क हुंदा है। कहिंदे रब्बा मेरे आ तेरा रूप सन, ते हुण जे ओह रूप सी इहदा मतलब फिर उहनां दी पूजा करिए, उहनां नूं फिर मत्था टेकण जाइए। नहीं, तुसी भी ते रब दा रूप हो। मैं ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੀ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਆ। ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਮਾਣਿਆ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਏ। ਰਾਮ ਰਘਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ, ਰਘੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਘੂਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਫੇਰ ਆਇਆ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਪਰ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁਰਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ TV ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲਦੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਾ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਲੂ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਸੁਦਾਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਕੰਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਬੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਐ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਉਗਰ ਸੈਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੈ ਜਨ ਦੀਓ। ਅਭੈ ਭਗਤ ਹੈ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਗਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੰਸ ਦਾ ਪਿਓ, ਕੰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਗਰ ਸੈਨ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਗਰ ਸੈਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਉਗਰ ਸੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੰਸ ਨੇ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਸੀ ਕੰਸ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ?
प्यो चा के अंदर सुटता जेल च। कहिंदे कृष्ण ने कंस नू मारिया, उग्रसैन को राज अपै भगत है जन दियो। कहिंदे ऐसा राज दिता, निडर बनाया, डर तो रहत कीता, ते सारी जिंदगी उग्रसैन कृष्ण कृष्ण जपदे रहे। तू अपने भगतां दी लाज कदों किहड़े रूप विच आके रख लवे, ए कोई जानदा नहीं। कल युग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। कलयुग दा समा सी सतगुरु जी, कलयुग प्रमाण अंगद अमर। प्रमाण की हुंदा जी? प्रतख प्रमाण, एग्जाम्पल, सामने जो दिसदा होवे हकीकत। कहिंदे कलयुग विच गुरु नानक साहिब महाराज तुसी प्रतख आए। पहले युग ते तुसी माणे आ ना, तुहाडी जोत ने माणे आ, तुहाडियां खेडां वरतदियां रहियां। कदे तुसी इत्थे हरनाक्ष नूं मारदे रहे, आके प्रहलाद दा भला करदे रहे, पर कलयुग विच तुसी शरेआम आए, प्रगट हो के, प्रतख हो के आए। किहड़े रूप विच? नानक तो अंगद, अंगद तो अमरदास आखो। सतनाम जोत इको ही है, जोत ओही है। बाहर दियां जुगतां बदलियां ने, श्री गुरु राज अबिचल, श्री गुरु राज अबिचल टल, आदि पुरख फरमायो। आदि पुरख परमात्मा ने फरमाया, सतगुरु जी तुहाडा जिहड़ा राज आ ना कलयुग दे समय विच, ये अटल राज आ, निश्चल राज है। निश्चल राज सदा तिसकेरा, ना आवै ना जाए। रब कदे जमदा मरदा नहीं, जिन्हें जमना मरना नहीं, उहदा राज भी कदे टुटदा नहीं हुंदा। आखो सतनाम सदा ही रहिंदा है। दुनिया जो मर्जी काबू करी फिरे जी, जो मर्जी बनावे, मौत उहदे हथ च है, जन्म उहदे हथ च है, वक्त उहदे हथ च है, कुदरत उहदे हथ च है। ते जिहदे कोल सारा कुछ ही है, उहदा राज भी सदा निश्चल है। आखो सतनाम निश्चल। उहनूं कहिंदे जिहड़ा डोलदा ना होवे, टुटदा ना होवे, खत्म ना होवे, डुब्बे ना। ऐ गुरु नानक साहिब महाराज, तुहाडा राज सदा है, सदा ही अचल रहना है। दोहरा इतिहादक श्री ग्रंथ में लिखे सवये बरिंद, निरंकार अकार पी श्री गुरु अंगद कंद। जिस वेले कवि जी ने बचन सुनाए, कहिंदे ओ सिखो, इन्ना अमृत बचना दी ओट लैके मैं नानक प्रकाश ग्रंथ लिखिया। आखो सतनाम। ते ओ सुनाउण वाले ते सुनन वाले भावुक सन उस वेले। कहिंदे गुरु नानक साहिब दीआं क्या बातां, उहनां दीआं की गल्लां। देखो दो शब्द उहनां बाणी चों सुणाए ने, समां घट सी, माफ़ करियो, क्योंकि शब्दां दे अर्थ करने बहुत औखे आ। जे कि अमृत वेले इस शब्द अर्थ किया जाए, घट्टो घट एक घंटा लगता है, तो आप तो फिर दगड़ दगड़ काम हुंदा ना। तुहाडे विचों भी कईआं दे होणा भी चार दिन हो गए प्रसंग चलदा, लाउंदे ही नहीं नेड़े, किवें लाईए बई। वेख लो तुहाडे सामने दो शब्द आए आ जिन्हां दी विचार केवल आपां ने 16 मिंटां च कीती है, 8 तो 10 मिंटां दे विच ही दोनों शब्दों की विचार संखेप विच होई है। क्योंकि जे इन्हां शब्दों की विचार विस्थार विच हुंदी ते होर बड़ा कुछ समझ आउणा सी, पर टूक मात्र कवि जी ने समझा दिता। गुरु नानक साहिब महाराज नारायण परमात्मा अकाल पुरख परमेश्वर ने, जिन्हां दा राज सदा रहण वाला है, जिन्हां दा राज कदें खत्म नहीं। सतयुग तो पहलां भी उहदा राज सी, अज भी राज है, हमेशा रहेगा। कदों तक रहेगा? बाणी ने स्पष्ट कर दिता जपजी साहब दे विच, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। पहला भी सी, अज भी है, सदा रहेगा, हमेशा ही रहेगा। तू ये राज है तेरा रब्बा। ये प्रथाए जो कवि जी ने सुनाया तो गुरसिखा ने बड़ी श्रद्धा ना सी सुनवाया। कहिंदे इस ग्रंथ का कोई निंदक हुण की वगाड़ू? आखो सतनाम। ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕੁਛ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ।